रेजिडेंसी ये अंग्रेज़ों का घर था। रेजिडेंसी ये लखनऊ वालों की वीरता और बहादुरी की मिसाल है। तो आज हम इसे ही देखने वाले हैं और मैं खुद भी देखने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होगा, और आगे आपके बैग्स वगैरह होंगे तो उसका भी थोड़ा चेकिंग होगा। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं उस टाइम का जो गेट बनवाया गया था, बेली गारद, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था बेली गारद नाम से। तो हम अभी अंदर चलने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ किरण और मेरे चैनल का नाम है शाइनिंग डे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक हिस्टोरिकल प्लेस, जो मैं आज आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। ये 1857 की यहाँ पे लड़ाई हुई थी, और ये जो अभी हम आपको रेजिडेंसी पूरा दिखाने वाले हैं, एक ज़माने में ये अंग्रेज़ों का घर था। और जब 1857 में यहाँ पे लड़ाई हुई, तब यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा जो अंग्रेज़ थे उनको मारा गया था, और इनके कई लोगों की जो कब्र होती है यहाँ पे दफनाई गई है। तो और भी इसके बारे में जानते हैं और अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो गाइस। इस प्रवेश द्वार का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 19वीं सदी में पूर्वार्ध में लखनऊ के रेजिडेंस कैप्टन बेली के सम्मान में कराया था, जिसे यह बेली गारद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। घेराबंदी के दौरान इस गेट को अंदर से मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था, और बाह्य ओर से 18 पाउंडर तोप तैनात थी, किंतु क्रांतिकारियों के हमलों से यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। रेजिडेंसी नवाबों के शहर लखनऊ के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसे देखने आज यहाँ देश विदेश से कई लोग और पर्यटक आते हैं। रेजिडेंसी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की कुछ पहली और अहम लड़ाइयों का प्रतीक है। ये कोषागार भवन है, और आपको जो पीछे दीवार दिख रही है वो 1857 में जो लड़ाई हुई थी, तब जो गोलियां और तोहफे चले थे उनके निशान जो गोलियों के हैं वो आज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग को एनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में प्रयोग किया गया था। भवन को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के भीषण क्षति का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से इसकी जो बाहरी दीवारें हैं उस पर आपको बंदूक की गोलियां और तोप के गोलों के निशान दिखाई देते हैं। बट आज का समय देख लो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कपल्स का नाम लिखा हुआ दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, तो प्लीज़ यार ऐसे मत करो यहाँ पे। अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह कुछ खिंचवाना चाहो तो ये बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। तो मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं, अगर आप देखना चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप देख सकते हो। ये भवन रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो 1857 में
घेराबंदी के दौरान रेजिडेंट सर्जन थे। और यहाँ पे गर्मियों से बचने के लिए कई तहखाने भी थे जो घेराबंदी के समय स्त्रियाँ और बच्चों को थोड़ा सेफ करने के लिए यूज़ किया गया था। और जब ये लड़ाई चल रही थी तब 2 जुलाई को बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे लाया गया था। और जब इनका इलाज चल रहा था तो उसी के दौरान उनकी 4 जुलाई 1857 को यहाँ पे मौत हो गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस यहाँ पे ली। रेसिडेंसी का निर्माण लखनऊ के समकालीन नवाब आसफ़ुद्दौला ने सन 1780 में प्रारंभ करवाया था, जिसे बाद में नवाब सआदत अली द्वारा सन 1800 में पूरा करवाया। रेसिडेंसी अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करता था। संपूर्ण परिसर में आपको प्रमुखतः 5-6 भवन दिखेंगे, जिनमें से मुख्य भवन थे बैंक्वेट हॉल, डॉक्टर फेरर का घर, बेगम कोठी। और बेगम कोठी के पास एक मस्जिद है और ट्रेजरी आदि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमुख भवन हुआ करते थे। 1857 में आज़ादी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था और इसमें अपना निवास बनाया था, तो इसका नाम रेजिडेंस पड़ गया। इस इमारत की दीवारें आज़ादी की लड़ाई की आज भी गवाह है। यहाँ पे एक कब्रगाह है जिसमें लड़ाई के दौरान मारे गए लोगों को दफनाया गया है, और जो अवशेष है वो लगभग 33 एकड़ में फैले हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को दफनाया गया है। बेगम कोठी, मूल रूप से इसका निर्माण नवाब आसिफ़ुद्दौला ने करवाया था। बादशाह नासिरुद्दीन हैदर की यूरोपीय पत्नी मकदरा आलिया अथवा विलायती बेगम कैलेंडुना की पुत्री यहाँ पर रहती थी। नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मकदरा आलिया तथा उसकी सौतेली बहन अश्रुनिसा अपनी माँ के साथ इस कोठी में रहने लगी। अश्रुनिसा ने ही बेगम कोठी के समीप इमामबाड़ा तथा एक मस्जिद का निर्माण कराया। रेजिडेंसी के अन्य भवनों से हटकर अवध के परंपरागत स्थापत्य निर्मित यह एकमात्र भवन है।
यहाँ पे एक संग्रहालय है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और शुक्रवार को बंद रहता है। ये रेजिडेंस है, यहाँ का मुख्य भवन हुआ करता था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।